So let's start with the balance questions in April 21 exam paper. So हमने 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया. अब हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 से भी हम लोग चालू करेंगे. अ रिस्क एवर्स नॉन सैटिएटेड इन्वेस्टर इज ट्राइंग टू डिटरमाइन देयर यूटिलिटी ऑफ वेल्थ फंक्शन UW. दे हैव डिसाइडेड टू यूज द यूटिलिटी फंक्शन UW is equal to W plus DW square, where D is less than 0 is a constant that the investor has chosen. Derive an upper bound in terms of D for the range of values of W over which UW can be used. ठीक है, explain why D less than 0 is a necessary condition for UW to be a valid utility function. So this is again very simple. Non-satiation and risk averse का हम लोग को features use करना पड़ेगा. राइट, सो नॉन सैटिएशन एंड रिस्क एवर्जन के लिए UW एंड UW हम लोग को निकालना पड़ेगा. ठीक है, सो हम लोग चालू करेंगे इसमें UW. सो UW विल बी 1 plus 2 DW, and 1 plus 2DW should be greater than 0 for non-satiation. So, यहाँ पर हम लोग को पता है W will be less than minus 1 by 2D. ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं. ठीक है, क्योंकि UW will be less than 0. ठीक है, so 2D will be less than 0. So, D will be less than 0 for risk एवर्जन. ठीक है, सो डी शुड बी नेगेटिव. ठीक है, पहला दो अपना हो गया. फिर बोल रहा है द इन्वेस्टर लिव्स ऑन अ ट्रॉपिकल आइलैंड. ऑन दिस आइलैंड रूट वेजिटेबल्स कैन बी बॉट वंस अ वीक फॉर 10 पर बॉक्स. ठीक है, सो $10 पर बॉक्स. The investor knows that they will be able to sell any vegetables they buy for 30, 12, 10.5. सबका equal probability है. So 30, 12, 10.5 और तुम्हारा सबका क्या है 0.25. All boxes of vegetables sold at a given time will be sold for the same price. The investor's current wealth is 100. So, उसका current wealth कितना है? $100. If the investor were to buy 7 boxes of vegetables, their expected utility of wealth after selling them would be 50. ठीक है? If the investor were to buy 7 boxes of vegetables, so expected utility of wealth after selling them would be 50. This is expected utility of wealth. Calculate the value of D, calculate the expected utility of wealth of the investor if they do not buy any vegetables. The investor has decided they want to buy 7 boxes of vegetables. Discuss whether UW is appropriate for the investor. ठीक है, so अपने को क्या बोला है, टेन पर बॉक्स में खरीदेगा, सो 30 रुपीज उसके पास में बचेगा, बिकॉज 70 रुपीज तो वो परचेज करने में लगा दिया. प्लस 7 बॉक्सेस बेचेगा एक्स में और 10 रुपया कॉस्टिंग है, तो 100 में क्या हुआ, 70 रुपया का खरीदा, 30 रुपया बचा जो मैंने यहां पर लिखा है. सो ये मेरा क्या बन जाएगा, दिस इज माई वेल्थ फंक्शन. ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज है, All boxes of vegetables sold at a given time will be sold for the same price. मतलब 7 बक्सा है, सातों का सातों बक्सा सेम दाम में बेचेगा. ठीक है, सो अगर x मेरा 30 है तो क्या होगा, वेल्थ 1 मेरा बनेगा 30 plus 7 into 30 minus 10. x अगर मेरा 12 है,
सो मेरा डब्ल्यू टू क्या बनेगा, 30 + 7 × 2, एक्स अगर 10 है तो ये मेरा बनेगा 30, और एक्स अगर 0.5 है तो मेरा डब्ल्यू फोर बनेगा 30 - 7 × 9.5 का घाटा, ठीक है। एक्चुअल में 30 नहीं होगा यहां पर, 100 होगा। 100 क्यों होगा, क्योंकि 10 तो मैंने यहां पर माइनस कर दिया है ना, ठीक है। सो कितना कितना आ रहा है देखो, कितना कितना आ रहा है देखो, 240, 114, 100, 33.5। अब इसके बाद में W + DW² इज द फंक्शन एंड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मेरे को बोल दिया 50 होना चाहिए। सो 50 विल बी इक्वल टू W, सो 240 + 114 + 100 + 33.5, दिस होल थिंग इंटू 25%, क्योंकि सबका प्रोबेबिलिटी इज 0.25, प्लस डी इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, 240² + 114² + 100² + 33.5 का स्क्वायर होल इंटू 0.25। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, W + DW², क्योंकि देखो इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो इसीलिए क्या है, हम लोग एक संग लिख पा रहे हैं। अगर इंडिविजुअली भी देखेंगे तो क्या है, इट्स 240 × 0.25 + D × 240² × 0.25, ठीक है। सो दिस शुड बी इक्वल टू 50, और यहां से मैं डब्ल्यू, यहां से बेसिकली मैं डी सॉल्व करूंगा। सो डी जो मेरा आएगा, इट विल बी -0.003518, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ इफ दे डू नॉट बाय एनी वेजिटेबल्स, सो वेजिटेबल्स अगर बाय नहीं किया, सो 100 - 0.00, जो भी डी का मेरा वैल्यू आया है 0.003518 इंटू 100 का स्क्वायर, तो ये मेरा कितना आ रहा है, 64.8181, ठीक है। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन क्या बोल रहा है, टू बाय 7 बॉक्सेस डिस्कस विद द यूडब्ल्यू इज अप्रोप्रिएट। सो सबसे पहले -1/2D निकालो, सो -1/2D इज -1/2 × -0.003518, तो ये कितना आ रहा है, 142.12, ठीक है। UW1 मेरा कितना था, 240, विच इज ग्रेटर देन 142.12, और हमने कंडीशन क्या डाला था स्टार्टिंग में ही, सम के चालू में हमने कंडीशन क्या डाला, सम के चालू में हमने कंडीशन डाला दैट W शुड बी लेस देन -1/2D, बट वो तो हो नहीं रहा। फर्दर मोर द इन्वेस्टर्स डिसीजन टू परचेज द 7 बॉक्सेस कॉन्ट्रडिक्स द कंक्लूजन रीच्ड अकॉर्डिंग टू UW, स्पेसिफिकली डूइंग नथिंग यील्ड्स अ श्योर यूटिलिटी ऑफ 64, बट करने से 50 हो रहा है वर्सेस 50, अगर किया तो, नहीं किया तो 64, अगर किया तो 50, तो क्यों करेंगे। द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट द इन्वेस्टर इज रिस्क सीकिंग rather than risk averse when it comes to trading vegetable boxes, therefore UW cannot be the correct utility function, ठीक है। जब vegetable खरीदने बेचने का बात आता है वो उसके अंदर जिगरा आ जाता है, ठीक है, जब vegetable खरीदने बेचने का बात आएगा उसके अंदर जिगरा आ जाएगा, so this might be the reason, ठीक है। so 5 भी हमने किया, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
रीड करना चालू करिए, रुइन थ्योरी का क्वेश्चन है। एन इंश्योरर अज्यूम्स दैट द नंबर ऑफ क्लेम्स इट इनकर्स फॉलोज अ पॉइजन प्रोसेस विद पैरामीटर म्यू, द एडजस्टमेंट कोएफिशिएंट आर फॉर दिस इंश्योरर इज अ रिस्क मेजरमेंट पैरामीटर एसोसिएटेड विद इट सरप्लस प्रोसेस, इट इज द यूनिक पॉजिटिव रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन म्यू एम एक्स आर इज इक्वल टू म्यू प्लस सी आर, वेयर एम एक्स आर इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट व्हाट क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। ठीक है, द इंश्योरर अज्यूम्स दैट क्लेम अमाउंट फॉलो गामा डिस्ट्रीब्यूशन, सो क्लेम अमाउंट का पैरामीटर एल्फा कितना है 2 और लैमडा कितना है 1। राइट डाउन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन शो दैट आर सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन, सो सी आर स्क्वायर प्लस आर म्यू माइनस 2c प्लस सी माइनस 2μ. Now this is equal to 0. The insurer says mu is itna, c is equal to itna. Solve the equation. सबसे पहले c क्या है? Lundberg's inequality. ठीक है? So basically, अगर हम लोग equation देखेंगे, C मेरा क्या बन जाएगा? C इज द रेट ऑफ प्रीमियम इनकम, ठीक है। फिर हम लोग को सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? हम लोग को बोल रहा है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द गामा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर दे दिया है, सो एम एक्स आर इज इक्वल टू 1 माइनस आर बाय लैमडा टू द पावर माइनस अल्फा, तो दिस इज 1 माइनस आर टू द पावर माइनस 2 और आर शुड बी लेस देन 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा? म्यू एम एक्स आर, ये इजी एकदम, इज म्यू प्लस सी आर, सो म्यू 1 माइनस आर टू द पावर माइनस 2 इज व्हाट? म्यू प्लस सी आर। सो मेरा म्यू क्या हो जा रहा है? म्यू प्लस सी आर, ये उधर चला जाएगा 1 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पूरा ओपन कर दो। ओपन करने से आएगा सी आर क्यूब प्लस म्यू माइनस 2c आर स्क्वायर प्लस सी माइनस 2μ आर प्लस म्यू। अब इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं? सी आर क्यूब प्लस म्यू माइनस 2c आर स्क्वायर प्लस सी माइनस 2μ आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों तरफ μ कट गया। अब r कॉमन ले लो, सो r इंटू सी आर स्क्वायर प्लस म्यू माइनस 2c इंटू आर प्लस सी माइनस 2μ इज इक्वल टू 0। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे, सो बेसिकली आ गया ना, या तो r 0 होगा या फिर सी आर स्क्वायर
प्लस म्यू माइनस टू सी आर प्लस सी माइनस टू म्यू विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, म्यू और सी का वैल्यू डाल दीजिए, म्यू और सी का वैल्यू डाल दीजिए, म्यू और सी का वैल्यू डाल दीजिए। सो वन इंटू आर स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 2 इंटू वन इंटू आर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3.5, सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम लोग आर का वैल्यू सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव रूट्स चाहिए, सो पॉजिटिव रूट्स में अपना आएगा 1.8117। ठीक है, सो दिस इज डन, 7 इज नॉट देयर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच इज पेंडिंग इज 8। 8 के बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 भी है। सो 8 इज अगेन रूइन थ्योरी का, सो 8 में आइए, अ जनरल इंश्योरर स्पेशलाइजिंग इन कैटेस्ट्रॉफ्स इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट्स फ्यूचर प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन। इट मॉडल्स फ्यूचर क्लेम पेमेंट्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स ओवर ईच ईयरली इंटरवल एज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर लैम्डा इज 1। सो लैम्डा इज 1, द इंश्योरर अज्यूम्स दैट द क्लेम पेमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ईच ईयर, द इंश्योरर होल्ड्स एन इनिशियल सरप्लस ऑफ, ओके, सरप्लस इज डॉलर्स 3 मिलियन एंड अज्यूम्स नो फ्यूचर प्रीमियम इनकम। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द इंश्योरर इज सॉल्वेंट एट द फॉलोइंग टाइम्स मेजर्ड इन ईयर्स। ठीक है, स्टेट विदाउट परफॉर्मिंग एनी, चलो ये तो बात नहीं करेंगे। सो पहला पार्ट है, टाइम जीरो पे क्या होगा, उसके बाद सरप्लस है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन इज जीरो। ठीक है, सॉल्वेंसी टाइम 1 पे विदाउट रिसीविंग एनी प्रीमियम्स ड्यूरिंग द ईयर, द ओनली वे द इंश्योरर कैन बी इनसॉल्वेंट एट टाइम 1 इज इफ देयर हैज बीन मोर देन 3 मिलियन पेड आउट इन क्लेम्स ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो अपने को दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, अपने को दिया है, बोलता है इट मॉडल्स फ्यूचर क्लेम पेमेंट्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स ओवर ईच ईयरली इंटरवल एज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर लैम्डा इज 1। ठीक है, सो बेसिकली अपने को क्या करना है ना कि सॉल्वेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अपने क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियल 1 शुड बी लेस देन 3, राइट। सो लेस देन में क्या आता है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 इंटू 3। समझ गया, जब क्लेम पे आउट विल बी लेस देन, ठीक है, एंड क्लेम पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, देख लो, नो फ्यूचर प्रीमियम इनकम, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का पैरामीटर भी दे दिया अपने को, स्टेट विदाउट परफॉर्मिंग एनी फर्दर कैलकुलेशंस हाउ योर आंसर्स टू पार्ट 1 वुड चेंज इफ द इंश्योरर चेंज इट्स नेट क्लेम्स डिस्ट्रीब्यूशन टू बी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर लैम्डा इज 2। सो अगर पैरामीटर लैम्डा 2 है तो क्या होगा, एनालिटिकल क्वेश्चन दे दिया यहां पर। पहला वाला पार्ट तो अनचेंज रहेगा और दूसरा वाला में अगर 2 है, इफ द पैरामीटर इज चेंज टू लैम्डा 2, 0 वाला तो नहीं होगा बिकॉज 0 क्लेम्स कुड हैव अराइजन एट दैट पॉइंट। द मीन वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल का मीन क्या होता है, 1 बाय
लैम्डा, लैम्डा को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, लैम्डा को बढ़ा रहे वन से टू में, राइट। एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट टू बी पेड ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर विल रिड्यूस। अब करो ना, वन बाय वन था, वन बाय टू हो गया है, तो एक्सपेक्टेड जो है क्लेम पे आउट वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अगर क्लेम पे आउट बढ़ जाएगा, एक्सपेक्टेड क्लेम पे आउट अगर गिर जाएगा तो सॉल्वेंट रहने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, वही लिखा है। सो इंक्रीजिंग लैम्डा फ्रॉम वन टू टू इफेक्टिवली रिड्यूसेस द एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट टू बी पेड ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, दिस विल देयरफॉर इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्वेंसी एट टाइम वन। इट विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्वेंसी एट टाइम वन, ठीक है। फिर बोलता है, डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इंश्योरर्स अप्रोच टू असेसिंग इट्स फ्यूचर प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन। देयर आर मेनी इश्यूज विद द मॉडलिंग अप्रोच द इंश्योरर इज प्रपोजिंग। द इंश्योरर स्पेशलाइजेस इन कैटास्ट्रोफ इंश्योरेंस, सो द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज इट डज नॉट हैव द हाई कटोसिस फैट टेल्स कॉमनली सीन इन कैटास्ट्रोफ इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज कैटास्ट्रोफ इवेंट्स टेंड टू बी लो फ्रीक्वेंसी हाई इंपैक्ट, सो मॉडलिंग देम विद अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मे नॉट इवन बी अप्रोप्रिएट इन द फर्स्ट प्लेस। कैटास्ट्रोफ इवेंट्स को क्या बोलता है, कैटास्ट्रोफ इवेंट्स जो है, कैटास्ट्रोफ इवेंट्स को क्या बोलता है, लो फ्रीक्वेंसी हाई इंपैक्ट, सो मॉडलिंग देम विद अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मे नॉट इवन बी अप्रोप्रिएट इन द फर्स्ट प्लेस। द इंश्योरर इज ऑल्सो अज्यूमिंग दैट नेट क्लेम्स आर इंडिपेंडेंट इन ईच एनुअल पीरियड, ठीक है। क्या बोलता है, नेट क्लेम्स आर इंडिपेंडेंट इन ईच एनुअल पीरियड। इन प्रैक्टिस दिस इज अनलाइकली टू बी ट्रू बिकॉज द नंबर साइज ऑफ क्लेम्स आर लाइकली टू बी हाईली कोरिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर्स। ऑब्वियस बात है, हो सकता है इस साल मेरे 20 क्लेम आया तो अगला साल ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 100 आ जाएगा या फिर 1000 आ जाएगा, तो देयर विल बी सम डिपेंडेंसी ना, कि भाई 20 का मान लो 10% बढ़ जाएगा या फिर 10% गिर जाएगा या फिर कुछ भी, मतलब समझ रहे, तो कुछ तो डिपेंडेंसी होगा ना इस पे। द इंश्योरर इज ऑल्सो अज्यूमिंग दैट नेट क्लेम्स आर इंडिपेंडेंट बिकॉज द नंबर साइज ऑफ क्लेम्स इज लाइकली टू बी हाईली कोरिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर्स। द इंश्योरर इज ऑल्सो अज्यूम्ड इट्स इनिशियल सरप्लस इज कॉन्स्टेंट। इन प्रैक्टिस इट कुड इन्वेस्ट दीज फंड्स टू जनरेट रिटर्न। द रिस्क फ्री रेट सॉल्वेंसी इज ओनली असेस्ड ऑन एन एनुअल बेसिस बट रूइन कैन ऑकर इन रियलिटी एट एनी टाइम। यहां पर हम लोग एनुअल बेसिस में सॉल्वेंसी देख रहे हैं, यहां पर हम लोग एनुअल बेसिस में सॉल्वेंसी देख रहे हैं, बट रूइन तो रूइन कभी भी हो सकता है, ठीक है। अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कभी भी फेल हो सकते हैं, ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, 14 नंबर का क्वेश्चन है। अगेन आई गेस दिस क्वेश्चन ऑन शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी वॉर, गुड क्वेश्चन। Investor has $800 to invest for a period of 1 year and has identified 2 investment opportunities in which to invest. The first is a direct investment in a stock index for a period of 1 year. Annual return X on the index follow normal distribution. So, uske paas mein dollars 800 hai invest karne ke liye. So, pehle wale mein kya bol raha hai? Normal distribution hoga 0.07, 0.055 ka square. Theek hai? Calculate the following in respect of the investment at the end of year 1. The shortfall probability below a value of 720. ठीक है, shortfall probability below a value of 720. So क्या बोल रहा है, shortfall probability below a value of 720, the 99.5% value at risk. Shortfall probability below a value of 720 and 99.5% value at risk. So first is a direct investment in a स्टॉक इंडेक्स, तो इसका हम लोग को शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी निकालना है और 99.5% वैल्यू एट रिस्क निकालना है। चलो ट्राई करो, उसको ट्राई करिए, बहुत सिंपल है ये ला।
सो बेसिकली क्या करना है, प्रोबेबिलिटी 800 इंटू 1 प्लस एक्स शुड बी लेस देन 720. सो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स शुड बी लेस देन 720 बाय 800 माइनस 1 विच इज प्रोबेबिलिटी एक्स शुड बी लेस देन माइनस 10%. प्रोबेबिलिटी जेड शुड बी लेस देन माइनस 10% माइनस 7% होल डिवाइड बाय 5.5%. ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे. सो ये मेरा आ जाएगा 0.1%. 99% वर ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो अगेन हम लोग वैसे ही चालू कर सकते हैं, 800 इंटू 1 प्लस एक्स इज लेस देन टी इज 99.5% बोला ना, 0.005. सो बेसिकली यहां से कैसे आएगा, एक बार में ही पूरा कर लूंगा मैं. सो 800 प्लस 800 एक्स लेस देन टी, सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी 800 एक्स इज लेस देन टी माइनस 800. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन टी माइनस 800 बाय 800, है ना, और x नॉर्मल फॉलो कर रहा है. सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन t माइनस 800 बाय 800 माइनस, है ना, तो कितना आ जाएगा, अब 0.5 है ना, सो माइनस 2.5758 इज इक्वल टू टी माइनस 800 बाय 800 माइनस 0.07 होल डिवाइड बाय 0.055. सॉल्व करिए एक बार इसको, कितना आ रहा है, सॉल्व करिए एक बार इसको, कितना आ रहा है, माइनस 2.5758 इंटू 0.055, ठीक है, प्लस 0.07 होल इंटू 800 प्लस 800. सो टी का वैल्यू मेरा आ रहा है 742.66, मतलब मेरा वॉर क्या आएगा, नेगेटिव माइनस 742.66, मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, फंड वैल्यू. अब इसका मतलब क्या है 742.66, पहले मैं आंसर चेक कर लेता हूं, यही आ रहा है क्या, ठीक है, मतलब वो लोग का 57.34 आ रहा है, ठीक है, बट मैं इसको समझा देता हूं कि ये क्या है 742.466 क्या है, सेम ही है. सो माइनस 742.66 मतलब फंड वैल्यू मेरा है 742.66, 99.5% बोला है ना, तो इसका मतलब क्या है, 99.5% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा जो फंड वैल्यू रहेगा वो 742.66 से ज्यादा रहेगा, एंड 0.5% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा जो फंड वैल्यू रहेगा वो 742.66 से कम रहेगा. ठीक है, ये पहला इंटरप्रिटेशन हो गया. उसके बाद में आप 800 से माइनस करो 742.66 को, ठीक है, सो ये आपका मोटा मोटी आ जाएगा 57 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. सो 57 पॉइंट समथिंग इज दी लॉस. अब इसको कैसे लिखेंगे, 57 पॉइंट समथिंग को कैसे लिखेंगे, ध्यान देना. सो देयर इज अ 99.5% चांस कि मेरा जो लॉस है वो 57 पॉइंट समथिंग के नीचे रहेगा, एंड 0.5% चांस है
कि लॉसेस विल एक्सीड 57 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये मेरा वॉर का इंटरप्रिटेशन हो गया। इसके बाद में दूसरा वाला जो है द सेकेंड अपॉर्चुनिटी इज अ डेरिवेटिव दैट ऑफर्स द फॉलोइंग पे ऑफ इन वन ईयर्स टाइम बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स ड्यूरिंग द ईयर। सो पे ऑफ दे दी है 730, 750, 962। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम द डेरिवेटिव एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। फिर बोला है इसके लिए भी हम लोग को सेम चीज निकालना है। तो पहले एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना है और फिर इसके लिए सेम चीज निकालना है। सो प्रोबेबिलिटी y जो है दैट इज 730, तो 730 होगा। सो प्रोबेबिलिटी x विल बी लेस देन इक्वल टू -7.1%। देखो क्वेश्चन में क्या दे दिया है, अपने को बोला है जब x तुम्हारा डेरिवेटिव जो है वो इंडेक्स पे है और इंडेक्स नॉर्मल फॉलो करता है, इंडेक्स को मैंने x लिया था ना, तो यहां पर y मेरा क्या हो गया, y मेरा हो गया डेरिवेटिव एंड x मेरा क्या हो गया इंडेक्स, और जो इंडेक्स है वो नॉर्मल फॉलो कर रहा है। तो बोलता है 730 का पे ऑफ होगा व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -7.1। सो प्रोबेबिलिटी z विल बी लेस देन इक्वल टू -7.1% -7% होल्ड डिवाइड बाय 0.055। तो ये सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से ये बेसिकली मेरा आ जाएगा पाई ऑफ -2.5 -2.5636, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0.00518, ठीक है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 962, ठीक है। बाय द सिमेट्री ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 7%, तो इसका 50% प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 750, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी -7.1% से x 7%, सो दिस इज नथिंग बट दोनों को माइनस कर देंगे, 1 -0.5 -0.00518, है ना, 00518। तो ये मेरा कितना आ रहा है 0.49482। अब मेरा एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या हो जाएगा, 730 का प्रोबेबिलिटी है 0.00518, 962 का प्रोबेबिलिटी है 50% का, एंड 750 का प्रोबेबिलिटी है 0.49482। तो ये मेरा कितना आ जाएगा बताइए, एक्सपेक्टेड आएगा 855 पॉइंट समथिंग, ठीक है। शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी 720, नन ऑफ द गिवन आउटकम्स रिजल्ट इन अ पे ऑफ, तो तीन पे ऑफ में कोई भी 720 के लेस नहीं है, तो जो शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी आएगा वो मेरा आएगा जीरो, ठीक है। शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी जो मेरा आएगा वो मेरा आएगा जीरो, ठीक है। अब तीन है और तीनों का मेरे को प्रोबेबिलिटी पता चल गया है, तीन है और तीनों का मेरे को प्रोबेबिलिटी पता चल गया है, तो मैं एक बार इसको वो करना चाहूंगा रैंकिंग। सो बेसिकली अब देखो डिस्क्रीट वाला मैं समझा देता हूं अच्छे से दोबारा से एक बार, तो रैंकिंग में कैसे कैसे आएगा देखना। तो रैंकिंग में तुम्हारा आ रहा है सबसे पहले 730, तो 730 का जो प्रोबेबिलिटी है इट इज 0.00518। फिर आएगा तुम्हारा 750 का जो है इट इज 0.494, ठीक है, एक बार रफ में लिख रहा हूं। उसके बाद में 962 का जो प्रोबेबिलिटी है इट इज 0.5। अब देखो 99.5% बोला है ना, 99.5% बोला है, अब ध्यान देना। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी नीचे से चालू करेंगे, x इज लेस देन 730, तो ये हो जाएगा जीरो। प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 750, ठीक है, 750 में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, लेस देन 750 है, 750 नहीं है, तो 0.00518। अब अपने को 0.005 से ऐसा चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल टू चाहिए, सो ये तो बड़ा हो जा रहा है, सो अपने इसको लेंगे,
अपने क्या करेंगे, अपने इसको लेंगे, इसको लेंगे मतलब ये मेरा टी का वैल्यू हो गया, ये मेरा टी का वैल्यू हो गया। सो मेरा वॉर क्या आ जाएगा, माइनस 730। सो माइनस 7 वॉर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, ये मेरा फंड वैल्यू है। सो लॉस कितना आ जाएगा, लॉस आ जाएगा 800 माइनस 730 विच इज 70। अब इसमें भी सेम चीज बोलेंगे, इसमें भी सेम चीज बोलेंगे, 0.5% प्रोबेबिलिटी है कि लॉसेस विल एक्सीड 70, 99.5% प्रोबेबिलिटी है, 99.5% प्रोबेबिलिटी है कि लॉसेस विल बी लेस देन 70, एंड फंड वैल्यू के लिए ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। मैं ये भी बोल सकता हूं कि 0.5% प्रोबेबिलिटी है कि जो मिनिमम लॉस होगा वो 70 का होगा, 0.5% प्रोबेबिलिटी है कि जो मिनिमम लॉस होगा वो आपका 70 का होगा। कमेंट ऑन हाउ द इन्वेस्टर में चूज बिटवीन द टू इन्वेस्टमेंट्स। सो चूज कैसे करेगा दोनों इन्वेस्टमेंट्स के बीच में, कैसे चूज करेगा वो। सो द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द इंडेक्स, सो इंडेक्स में इन्वेस्ट करके एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा, 800 × 1.07 जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो था। सो ये मेरा आ रहा है 856, ठीक है। सो द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आर वेरी सिमिलर फॉर ईच इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, द डेरिवेटिव इज लेस रिस्की एज देर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। इफ द इन्वेस्टर हैज अ यूटिलिटी फंक्शन विद अ डिसकंटिन्यूटी एट द मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, देन ही मे बेस हिज डिसीजन ऑन दिस मेजर। 99.5% वॉर इज हायर फॉर द डेरिवेटिव, so based on this measure the investor may prefer, the payoff on the derivative is significantly higher than the index when the return is slightly above the mean, so the investor may prefer this। so basically alag alag cheez bola hai, sab measure ke hisab se bola hai, basically shortfall probability ke liye kya hota hai, shortfall probability ke liye kya hota hai, expected shortfall below 720। सो बेसिकली यूटिलिटी फंक्शन जो है ना, यूडब्ल्यू जो है, इफ इट इज हैविंग अ डिसकंटिन्यूटी, अगर डिसकंटिन्यूटी है तो शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी को अपना अस्त्र बना लीजिए, ठीक है। फिर ये लोग बोलता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न तो बहुत सिमिलर है, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल द डेरिवेटिव इज लेस रिस्की सो एज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। If the investor has a utility function with a discontinuity at the minimum required return, then he may base his decision on the measure. 99.5% war for the derivative, so based on this measure. अब देखो जैसे utility में लिखा हुआ है, मैं एक बार आप लोगों को read कर देता हूं तो आप लोगों के लिए better रहेगा। Chapter 4 में ये चीज दिया हुआ है, maybe chapter 2 में दिया होगा, just एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, तो क्वाड्रेटिक में फर्स्ट टू मोमेंट्स होगा, ठीक है, उसके बाद में यूज ऑफ अ शॉर्टफॉल पेज नंबर 18-19 में दिया हुआ है, चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 में पेज 18-19 में दिया हुआ है, यूज ऑफ अ शॉर्टफॉल रिस्क मेजर, शॉर्टफॉल रिस्क मेजर करेस्पॉन्ड्स टू अ यूटिलिटी फंक्शन दैट इज अ डिसकंटिन्यूटी एट द मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक है ना। और इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड सेमी वेरियंस बिलो द एक्सपेक्टेड रिटर्न आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इट कैन बी शोन दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू अ यूटिलिटी फंक्शन दैट इज क्वाड्रेटिक बिलो द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड लीनियर अबव। तो सेमी वेरियंस कब होगा, जब क्वाड्रेटिक बिलो द मीन होगा, ठीक है। सो दिस इज इट, सो हमने ये वाला पेपर भी कंप्लीट कर लिया है, जस्ट वन पेपर इज लेफ्ट, September 21 एंड देन वी हैव कंप्लीटेड। सो उसके बाद मैं कुछ डिस्कस भी कर दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।